डिफ्यूज़र कि डिफ्यूज़र का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं तूने। वेलकम बैक अगेन गाइज, मेरा नाम है ध्रुविन जैन। आज हम बाहर निकले हैं आउटडोर शूट के लिए। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वेडिंग फोटोग्राफर जब आउटडोर पोर्ट्रेट शूट करते हैं या प्री वेडिंग शूट करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, और वो चैलेंज क्या है कि सनलाइट का यूज़ कैसे किया जाए जिससे हमारी फोटोग्राफी बेटर से बेस्ट हो सके। तो जब हम आउटडोर शूट करते हैं, आउटडोर हम जब सनलाइट का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली बात यह आ जाती है कि सनलाइट को कैसे यूज़ किया जाए। सो नॉर्मली दो तरीके होते हैं, या तो सन को हमारे सामने रखें यानी कि सब्जेक्ट जो है उसके सामने रखें, या उसको बैक साइड रखें। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल वे में, कि कैसे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अगर वाइट ड्रेस पहन रखी है, नॉर्मली डे टाइम में हम वाइट ड्रेस अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्लिक करते ही बर्न हो जाती है। हम वेडिंग पोर्ट्रेट्स अगर दिन में शादी है और अगर कपल को बाहर ले जाते हैं तो नॉर्मली जो ग्रूम है उसने जो शेरवानी पहनी होती है उसका क्रीम कलर होता है, लाइट कलर होता है, और वो क्लिक करते ही बर्न हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको विद इन अ मिनट एक सिंपल सा चेंज करके आप अपनी फोटोग्राफी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क ला सकते हैं। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वो भी प्रैक्टिकली, कि एक सिंपल सा डिफ्यूज़र का यूज़ अगर हम करते हैं तो हमारे फोटोग्राफी के अंदर कितने वेरिएशन आ जाते हैं। डिफ्यूज़र जो ये हमारे पास एक वाइट कलर का है, इसका यूज़ अगर हम करेंगे अपनी फोटोग्राफी के अंदर तो आपको कितने बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं आउटडोर फोटोग्राफी के अंदर, ये अपन आगे देखते हैं। सो आज इस वीडियो में हमको जो हेल्प कर रही हैं मॉडल, उनका नाम है इशिका, ठीक है, जो इस वीडियो को हमारे बनाने में हेल्प करने वाली हैं। इनके ऊपर हम फोटो शूट करके आपको दिखाएंगे, और जानबूझकर हमने वाइट ड्रेस का यूज़ किया है ताकि आपको सनलाइट का बहुत बेहतर तरीके से यूज़ करके दिखाएं कि कैसे बर्न हो जाता है और बर्न से हम कैसे उसको सॉफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गो, प्रैक्टिकल अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम प्रैक्टिकल सेशन देखने वाले हैं। मैं आपको लाइव कैप्चर करके दिखाता हूँ इमेजेस। मैंने अपना कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मार्क 3 7200 मेरा लेंस है, और AV मोड पे मैं शूट कर रहा हूँ। अगर आपको AV मोड का आइडिया अगर नहीं है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पूरा AV मोड का डिटेलिंग आपको बताया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना आउटडोर शूट के अंदर बहुत इजी हो जाता है, मैनुअल पे शूट करने की जगह अगर AV पे किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत बेटर अपन को मिल जाते हैं और क्विकली मिल जाते हैं। सो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे किस पोजीशन के ऊपर हम अपनी मॉडल को, या ब्राइड है या कोई भी आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको खड़ा रखें। सो अभी एक सिंपल सा पोर्ट्रेट जो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, फोटोग्राफी के लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम सोचते हैं कि सन को हमारे सामने रखें और कैप्चर करें, तो सबसे पहली मुश्किल क्या हो जाती है कि आईज़ प्रॉपर नहीं खुल पाती हैं, सिर पे सलवटें आ जाती हैं, तो हर कोई प्रॉपरली देख नहीं पाता। और इमेजेस में आउटपुट क्या आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो आईज़ का शेडो नीचे दिखता है, नोज़ का शेडो दिखता है, और गर्दन बिल्कुल डार्क दिख जाती है। तो ये जो पोजीशन है, और वाइट ड्रेस अगर कैप्चर करने जाएंगे तो वाइट ड्रेस क्या होगा, कम्प्लीटली बर्न आएगा। तो इस पोजीशन में अगर हमको यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिफ्यूज़र लें, और डिफ्यूज़र को जैसे ही आप रखेंगे, अब आप इफ़ेक्ट देखें कि जितनी शेडोज़ थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। सो ये एक फर्स्ट पैटर्न है जो आपको यूज़ करना होता है डिफ्यूज़र के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लिक्स करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि क्या हमको ध्यान रखना है। सो यहाँ हम पहला क्लिक करके देखते हैं, जो मैंने सन बिल्कुल डायरेक्ट फेस के ऊपर है, और क्या रिजल्ट्स मिलता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो देन ये मेरा फोकस सचीज गुड। सो अब आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर आप देखो कि सन मेरा बिल्कुल अपसाइड है, डायरेक्ट आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं लकी हूँ, ये टाइम मेरे लिए थोड़ा सा लकी है, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है सन कि मेरे को कम्प्लीटली बटरफ्लाई लाइटिंग मिल रही है। आप जैसे ही इमेज को देखेंगे तो एक एडवांटेज आपको ये मिल रहा है कि वो कम्प्लीटली बटरफ्लाई लाइटिंग मिल रही है, तो मेरी जॉ लाइन बहुत शार्प आ रही है, तो ये एक मेरे लिए अभी का एडवांटेज है। बट यही चीज़ अगर सनलाइट बिल्कुल टॉप पर है, दिन का 12 बजे 2 बजे अगर वो टाइम है, तब क्या होता है कि ये चीज़ आपको नोज़ का शेडो एकदम डार्क मिलता है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक अपने लिए हो जाता है। अगर उस चीज़ को हमको रिमूव करना है तो सिर्फ एक चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, वो है डिफ्यूज़र। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर अपन गर्मियों के टाइम पे सनलाइट में बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हमको हमारी शेडोज़ कम्प्लीटली दिखती हैं, बट जैसे ही हम मानसून टाइम में आ जाते हैं, क्लाउड्स अगर आ जाते हैं बीच में, तो सनलाइट तो सेम रहती है बट हमको शेडोज़ बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो सेम काम हम भी यहाँ पे फोटोग्राफी में अप्लाई कर रहे हैं कि जैसे ही हमने डिफ्यूज़र ऐड किया
तो आप देखिए सनलाइट से बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल गया है कि जितनी शेडोज़ हार्ड थी वो एकदम सॉफ्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं एक आपको कुछ इमेजेस कैप्चर करके दिखाता हूँ विद डिफ्यूज़र, आपको रिजल्ट्स अपने आप पता लगेगा कितना वेरिएशन है। सो मैं आपको ये वेरिएशंस दिखा रहा हूँ कि एक बार जैसे ही डिफ्यूज़र रखा तो एकदम सॉफ्ट हो गया है, डिफ्यूज़र हटाया तुरंत हार्ड लाइट है। तो अब मैं आपको डिफ्यूज़र के साथ क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या इफ़ेक्ट आता है। यस गुड स्माइल, ये इमेजेस मैंने आपके सामने कैप्चर करके रखी हैं जो विथ डिफ्यूज़र हैं। आप रिजल्ट्स देख सकते हैं दोनों के अंदर कि एक के अंदर कितना शेड है, नोज़ के नीचे शेड है, गर्दन बिल्कुल डार्क है और वाइट ड्रेस है वो आपको कंप्लीट डिटेल वाइज दिख रही है जहां हमने डिफ्यूज़र यूज़ किया है और जैसे ही हमने जहां पर डायरेक्ट सनलाइट यूज़ किया था वहां पर ड्रेस का डिटेलिंग बिल्कुल जा चुका है। सो ये एक एडवांटेज मिल जाता है जब हम डिफ्यूज़र का यूज़ करते हैं। सो ये वेरिएशंस मैंने आपको दिखाए हैं कि विथ डिफ्यूज़र और विदाउट डिफ्यूज़र कितना इमेज के अंदर चेंजेज आ जाता है। अब एक थोड़ा सा चेंज और करते हैं, हम फोटोग्राफी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही सनलाइट अगर डायरेक्टली, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमको डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ करना है तो आप डिफ्यूज़र ऑलवेज यूज़ करें, विदाउट डिफ्यूज़र शूट नहीं करें वरना आपको इमेजेस उतनी प्रॉपर नहीं मिलेगी। बट अगर हम ध्यान रखें कि अगर एक लाइट से हम दो लाइट अगर क्रिएट कर सकते हैं तो उसे कहते हैं स्मार्ट फोटोग्राफर। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक लाइट को, जो आपकी लाइट है उसी को अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो आप इमेजेस को और बेटर बना सकते हैं। वो हम क्या करेंगे कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर शूट करेंगे कि जो हम सनलाइट को मेन लाइट बना रहे थे उसी की जगह मैं उसको रिम लाइट बनाऊंगा, यानी कि हेयर्स पर बहुत अच्छे से लाइटिंग मैं कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि कंप्लीट पोजीशन चेंज हो चुकी है, जहां पर मॉडल थी उस जगह पर मैं आ गया हूं और जहां पर मैं था उस जगह मॉडल आ चुकी है। तो आप वेरिएशन देख रहे हैं, मेरे ऊपर अभी हैवी सनलाइट है, ठीक है। तो सनलाइट का इफेक्ट अगर आप वीडियो करते हैं या फोटो करते हैं आपको हमेशा ये शेडोज मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पर कैप्चर करके देखते हैं कि कैसे सनलाइट को हम बैकलाइट बना सकते हैं। सो ये मैंने कुछ इमेजेस कैप्चर करी आपके लिए। यस पोज, सो ये कुछ इमेजेस हैं। अब आप देख रहे हैं कि बैक साइड बहुत अच्छी हेयर्स पे लाइटिंग आ चुकी है, ठीक है। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जब इवनिंग टाइम है, जब सन एकदम बैक साइड होता है अपने, तब आप अच्छा सा गोल्डन लाइट इफेक्ट कैप्चर कर सकते हैं जिससे आपकी इमेजेस बहुत बेस्ट हो सकती हैं। हेयर लाइट आप बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम रिम लाइटिंग भी कहते हैं। तो ये अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपकी इमेजेस में। बट यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन क्या हो जाता है, वेरिएशन ये होता है कि जैसे ही आप अगेंस्ट लाइट शॉट लेते हैं, ठीक है, यहाँ तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है इसलिए इमेज मेरे को थोड़ी प्रॉपर मिल रही है, बट अगर आपका बैकग्राउंड डार्कर है और अगेंस्ट लाइट आप शूट करते हैं तो सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्कर आता है। तो यहाँ पर हमको एक्सपोजर कंपनसेशन का यूज़ करना होता है और एक्सपोजर कंपनसेशन के ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से, वहाँ पे आप एक्सपोजर कंपनसेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लाइट सा एक्सपोजर कंपनसेशन प्लस करता हूँ, ठीक है, ओनली 2/3 स्टेप पर, और अगेन फिर मैं कैप्चर करता हूँ इमेज। देन अब आप देखिए मेरा फेस, ड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट है। बट यहाँ पर मैं आपको एक की पॉइंट और देता हूँ कि कई बार जब हम एक्सपोजर प्लस करते हैं तब क्या होता है कि ये हेयर्स और ड्रेस जो रिम लाइटिंग आती है वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। तो उसको ओवर होने से बचाने के लिए यहाँ पर भी हम डिफ्यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं एकदम हैवी सनलाइट में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सनलाइट का और अगेंस्ट लाइट जो मेरा एक्सपोजर है फेस का, वो एक्सपोजर मैं मैनेज इक्वल लेवल पर करता हूँ। सो अब आप देख रहे हैं कि मैंने बैक साइड से डिफ्यूज़र दिया है जिससे मेरी पूरी इमेजेस सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं आपको कुछ क्लिक करके और थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस दिखाता हूँ कि क्या इमेजेस मेरे को मिलती हैं। यस गुड, सो ये मेरी कुछ इमेजेस मैंने कैप्चर करके आपके सामने रखी हैं, ठीक है। चाहे अगर आप एक एडवांटेज यहाँ पर एक फ़ायदा और उठा सकते हैं कि जब डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हैं आप बैक साइड से, तब आपको एक्सपोजर ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपोजर कंपनसेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस टाइम एक्सपोजर कंपनसेशन प्लस करेंगे तो इमेजेस स्लाइड ओवर हो सकता है। बट मैं आपको वापस ज़ीरो एक्सपोजर पर कैप्चर करके दिखाता हूँ बैक डिफ्यूज़र के साथ। सो अगेन मेरा ज़ीरो लेवल पर एक्सपोजर और ये मेरा फोकस, देन क्लिक। सो अब आप देखें कि एक्सपोजर वाइज कितना वेरिएशन आ जाता है कि कई बार आपको प्लस करना पड़ता है तो वो प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी इमेजेस एकदम परफेक्ट मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये जो बातें बताई है कि फ्रंट लाइट कैसे आप बैक लाइट बना सकते हैं, डिफ्यूज़र
यूज़ करके आप डायरेक्ट सनलाइट को बहुत सॉफ्ट कर सकते हैं, और बैकलाइट के टाइम पर भी अगर आप डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिफ्यूज़र का ऑप्शन नहीं है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जिस लोकेशन पर आप शूट कर रहे हैं वहाँ पर आप कोई भी शेड सर्च करें, शेड देखें और वहाँ पर आप शूट करें तो आपको सॉफ्ट लाइट मिल जाएगी। और हमेशा सॉफ्ट लाइट पे शूट करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि धूप में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पसीना होने लग जाता है। इन सारी बातों का फोटोग्राफी के अंदर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सो होप सो गाइस, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी आपको पसंद आई होगी। ये एक प्रैक्टिकल सेशन था कम्प्लीटली, और वेडिंग फोटोग्राफर्स या जितने भी पोर्ट्रेट शूट करते हैं या यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं आउटडोर में, जैसे आप मेरे को अभी देख पा रहे हैं कि मैं बिल्कुल बर्न दिख रहा हूँ, और अगर मैंने अपने ऊपर जैसे ही सॉफ्ट लाइट क्रिएट करी, अब आप देखें कितना सॉफ्ट रिजल्ट हो जाता है। तो ये इफ़ेक्ट आपको क्रिएट करना होता है। आप कभी बार मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ के अंदर आप आउटडोर लोकेशंस देखते हैं, तब वाइडर शॉट होता है तो शेडो दिखता है, जैसे ही क्लोजअप शॉट्स आ जाते हैं वहाँ पर शेड बिल्कुल गायब हो जाता है। वो क्यों होता है? ये डिफ्यूज़र यूज़ करने से ही होता है। सो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपने अभी तक नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिफ्यूज़र का जैसे ही यूज़ किया, ठीक है यार, एक बादल क्यों आ गए होंगे, अभी हटा एक बार, तो दो मिनट सनलाइट का वेट कर लो। डायरेक्ट लाइट हमको फेस पे मिल रही है, तो यहाँ यार मैं कहाँ देखूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा।